उत्तर प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड ग्रहण किया। नवनीत सहगल फिल्म बंधु के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी सरकार ने फिल्म नीति बनाई थी, जिसमें कलाकारों की सुरक्षा मुहैया कराने से लेकर शूटिंग के लिए तमाम तरह के संसाधन देने का भरोसा दिया गया था। इस प्रोग्राम के तहत यूपी सरकार राज्य के होनहार बच्चों को अपने खर्च पर फिल्म निर्माण सिखाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजने का काम भी करती है। फिल्मों के निर्माण के लिए माकूल माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की देश भर में प्रशंसा हो रही है। पुरस्कार ग्रहण करें और यूपी के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में 125 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने फिल्म निर्माण के लिए बेहतर नीति बनाई है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश को ये सम्मान मिला है। उनसे समय संवाददाता प्रभाकर कुमार ने खास बातचीत की। 63वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के मौके पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रणब मुखर्जी जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया है। जो विज्ञापन बनाया गया, जो पर्यटन के क्षेत्र में काम किया गया, उसको लेकर सम्मानित किया गया है। नवनीत सहगल जी हैं। सहगल जी, किस तरह का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को? देखिए, ये अवार्ड मिला है कि प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं वो फिल्मों को, फिल्म के कलाकारों को, फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ हैं और सबसे अच्छी नीतियाँ हैं, उसके कारण ये आज अवार्ड मिला है। और मैं आपको बताऊं कि जो सरकार की फिल्म नीति है उसमें सरकार जो फिल्में उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, जो शूटिंग होती है, उसको हम न केवल अनुदान देते हैं बल्कि उसमें उनको सहूलतें देते हैं, उनकी सहायता देते हैं, उनको अनुमति प्राप्त करने में, उनको ट्रांसपोर्टेशन में, उनके जो उनको जो सहायता है सब हम प्रदान करते हैं। उससे आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि फिल्मों में इसका इतना अच्छा रिस्पांस है कि आज लगभग 125 फिल्में उत्तर प्रदेश में उनकी शूटिंग चल रही है। आप जानते हैं कि जैसे फिल्मों की शूटिंग अगर हो रही है तो एक तो न केवल स्थानीय लोग कलाकारों को उसका लाभ मिलता है, रोजगार मिलते हैं, बहुत बड़े स्तर पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है, तो ये प्रदेश की छवि बेहतर करता है और प्रदेश के युवाओं को, लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा। एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण क्षेत्र में काफी संभावनाएं और जिस तरह से सम्मान मिला है उससे जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? जी जी, हमें अब इस जो एक स्टेटस हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है, उसमें और हमें और तरक्की करनी है और बेहतर उसको करना है ताकि अगले साल फिर हम इस पुरस्कार को पाएं। सरकार क्या ये निमंत्रण देती है कि जो लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं फिल्म में काम करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, उनका स्वागत करेगी? जी जी, हम पहले भी स्वागत कर रहे हैं और आगे भी स्वागत करेंगे। बिल्कुल। तो नवनीत सहगल जी हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश को आज एक बड़ा सम्मान मिला है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 125 फिल्में बन रही है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आज उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के मौके पर सम्मानित किया। इस समय दिल्ली से कैमरामैन शिवराज के साथ प्रभाकर कुमार।